नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में जो योग के कोर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। तो उससे पहले मैं आपको इस विश्वविद्यालय के बारे में छोटी जानकारी देने जा रहा हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2016 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है। यहाँ कई तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, पर मैं आपको योग में जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चलकर देखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस। अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस तो भी आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस में जितने भी योग कोर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या ड्यूरेशन है और कितनी फ़ीस है। तो आप देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ एडमिशन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं लिखा रहा है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रवेश विज्ञापन है ये इनका। तो इसी के द्वारा मैं आपको बताऊँगा यहाँ कौन कौन से योगा के कोर्सेज होते हैं यहाँ पर। तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा पाठ्यक्रम का नाम, कोर्स, सीट कितनी है, अवधि, अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, और शुल्क मतलब फ़ीस भी आपको बता रखी है। कई तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो चलिए हम योग के कोर्सेज की बात कर लेते हैं सीधा। तो आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है एम ए एम एस सी योग में आप कर सकते हैं, जिसकी अगर सीट की बात की जाए तो 90 सीट है। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 2 साल का कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स है, 4 सेमेस्टर होंगे यहाँ पर आपके। और अगर अर्हता की बात की जाए मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप स्नातक होने चाहिए किसी भी विषय में। और फीस की बात की जाए तो छात्र की आप दे सकते हैं 1460 रुपये वार्षिक है, छात्रा की 1361 रुपये वार्षिक फ़ीस आप दे सकते हैं। तो आप दे सकते हैं कितनी कम फीस में आप यहाँ से योग में कोर्स कर सकते हैं। चलिए अगले कोर्स की बात कर लेते हैं जिसका नाम है पीजी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसके कोर्स का नाम है पीजी डिप्लोमा इन योगिक विज्ञान। अगर उसकी सीट की बात की जाए तो 30 सीट है। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 1 साल का कोर्स है। और अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप स्नातक होने चाहिए किसी विषय में। फ़ीस आप दे सकते हैं 8390 रुपये वार्षिक आपकी फ़ीस है। तो आप दे सकते हैं कितनी कम फीस में आप यहाँ से पीजी डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो कोर्स है वो है यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें आप देख सकते हैं जिसमें योग में आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। सीट की बात की जाए तो यहाँ 30 सीट है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 3 माह का कोर्स है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप स्नातक होने चाहिए किसी विषय में आप, अगर आपको योग में या सर्टिफिकेट का कोर्स करना है। अगर हम फीस की बात करी जाए तो देख सकते हैं आप 3040 रुपये फ़ीस है यहाँ पर आपके 3 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स की। बाकी आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ बता रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आप अगर आपको कोई संपर्क करना है इनकी यूनिवर्सिटी से तो आपको यहाँ नंबर वगैरह भी दे रखे हैं, आप उनसे भी बात करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। तो इनका प्रवेश सूचना पत्र है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ योग के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो उसके बाद फिर से मैं आपको इनकी वेबसाइट पर लेकर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर एडमिशन, आप लास्ट में आएंगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ नीचे की तरफ सिलेबस, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर जितने भी वो कोर्स होते हैं उसका सिलेबस आ जाएगा, जैसे कि एम ए एम एस सी इन योगिक साइंस और पी जी डिप्लोमा इन योगा और सिलेबस सर्टिफिकेट इन योगा। तो सबसे पहले मैं आपको एम ए एम एस सी साइंस का सिलेबस दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय में जो योग विज्ञान का कोर्स होता है उसका सिलेबस आ गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। जो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में पूरा बता रखा है आपको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप आराम से देख सकते हैं। उसी तरीके से आप पीजी डिप्लोमा इन योगा का सिलेबस देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, वो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता रखा है, तो इसको आप एक बार देख के पढ़ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो लास्ट में हम देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन योग, आपको उस पर क्लिक कर देना है, सर्टिफिकेट कोर्स का सिलेबस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसका पूरा सिलेबस दे रखा है।
इसको आप देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन सबका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं या आप यहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस में जितने भी योगा कोर्स होते हैं उसके बारे में लगभग मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समाजी विज्ञान विश्वविद्यालय से योग का कोर्स करके आप अपना योग में करियर बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।